Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for SNAP 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss actual quants question asked in SNAP 2021. So guys, ये part one है, यहाँ पे हम लोग कुछ questions लेने वाले हैं आज 8-9 questions. इसके बाद part two भी आएगा जहाँ पे remaining questions रहेंगे. So guys, ये video आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत helpful रहेगा basically, क्योंकि यहाँ पे आपको proper questions मिलने जिससे आपको idea लगेगा. Apart from that, SNAP 2022 के तीनों slots के वीडियो सॉल्यूशंस क्वांट्स के हमने अपलोड कर दिए चैनल में, आप वो भी देख सकते हो. ठीक है, सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो. प्लस हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए. तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं. तो गाइस पहला क्वेश्चन है 2r-1x² + 2r + 1x + c = 0. सेकंड इक्वेशन है s+1x² + 4s + 1x + 3c = 0. तो गाइस ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं? हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की 2 है, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. बोला गया है कि दोनों इक्वेशंस के रूट्स सेम है, बोथ इफ अबव इक्वेशन है सेम रूट्स, मतलब इन दोनों के इसका जो रूट्स है इसके रूट सेम है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर प्लस एस. तो गाइस कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स क्या होती है? आपने सुना होगा कि कोई दो इक्वेशन मान लो है a1x² + b1x + c1 = 0 और a2x² + b2x + c2 = 0. तो कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. ये कंडीशन बहुत कॉमन कंडीशन है अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स आपस में सेम है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे यही लगाने वाले हैं, हमको आर प्लस एस चाहिए, हमको आर एंड एस की वैल्यू चाहिए. तो a1/a2 ये मेरा ऐसा हो जाएगा 2r-1 s+1 = b1/b2 = c1/c2. तो गैस ये आपका आया c1/c2 c/3c आपका 1/3 हो गया. तो गैस आपको अगर r एंड s चाहिए तो आप क्या करोगे, एक बार इन दोनों को कंपेयर करो. तो 2r-1 s+1 = 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा 6r-3 = s+1. तो 6r-s = 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकंड इक्वेशन देखो, 6r+3 = 4s+1, यह आ जाएगा 6r-4s = -2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई. हमने एक बार इन दोनों कंपेयर किया, ये मेरा 1/3 है ना, एक बार इन दोनों को किया तो हमको दो लीनियर इक्वेशन मिल गई. किसमें? आर एंड एस में. अब दो लीनियर इक्वेशन मिल गई तो अब आराम सॉल्व कर सकते हो. तो आप यहां पे साफ साफ फिर से लिख लो एक बार, ये आपका आ जाएगा ऐसा. आप गाइस देखो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 4s-3s = 4+2 = 6, एस आपका 2 आ गया. एक बार आपका एस 2 आ गया तो आप आर निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन में रख के. यहां पे एस को 2 रखो तो क्या आ जाएगा, 6r-2 = 4, तो 6r = 6, आर आ गया 1, s2r1. तो इनको ऐड कर दो, r आपका 1 है, s आपका 2 है, 3 आंसर आ गया बस. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. गाइस ये क्वेश्चन इजी है, बट आप कैसे कर रहे हो मैटर वो भी करता है, हर कोई लेगा. ठीक है, बट यहाँ पे एलसीएम कंसेप्ट बहुत बढ़िया होता है. ए कार ड्राइवर कवर्स 50% ऑफ द जर्नी एट 25 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ द जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग जर्नी एट 10 किलोमीटर पर आवर. 50%, 40%, तो बाकी क्या हुई, 10% हुई. ठीक है, तो टोटल जर्नी जो भी है उसका 50% इसमें, बाकी जो है 40% इसमें और बाकी इसमें. हमें निकालनी एवरेज स्पीड ऑफ द कार. तो गाइस एवरेज स्पीड का बेसिक डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. आप लोगों ने एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा होगा एवरेज स्पीड का, बहुत कॉमन कंसेप्ट है. एक पाथ है ए से बी, डिस्टेंस डी है, ए से बी कोई कार गई फिर बी से ए आई, तो आपको निकालनी एवरेज स्पीड. जाते टाइम स्पीड s1 थी, लौटते टाइम स्पीड s2 थी, तो आप क्या करते हो, आप टोटल डिस्टेंस निकालते हो ना, टोटल डिस्टेंस 2d है, फिर आप क्या करते हो टोटल टाइम टेकन. तो जाने का टाइम d/s1 + आने का टाइम d/s2, यही करते हो आप. तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका d कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो इस वजह से गाइस इसको इस तरह नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड में. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 25, 20 एंड 10 इनका एलसीएम ले लो एक बार. ठीक है, डिस्टेंस आप कुछ मान के चलो. ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस कोई भी होगी उसी का पार्टी है 50% ऑफ दैट
40% ऑफ दैट। तो आप डिस्टेंस कैसे लोगे, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर का यू कैन टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 100, ठीक है। तो लेट द डिस्टेंस बी 100, तो टोटल डिस्टेंस मेरी 100 हो गई, ठीक है। अपॉन अ 50% ऑफ 100 इज 50, 50 डिस्टेंस अपॉन 25, ये मेरा टाइम टेकन आ गया। 50% ऑफ जर्नी 25 किलोमीटर पे, तो 50 डिस्टेंस अपॉन 25 प्लस 40% ऑफ 100 इज 40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस बाकी हमारा 10% बचा। 10% ऑफ दिस डिस्टेंस इज 10, 10 अपॉन 10। तो हम गैस कर क्या रहे हैं, टोटल डिस्टेंस 100 है, 50% डिस्टेंस 50 है, 50 अपॉन S1 प्लस 40 अपॉन S2 प्लस 10 अपॉन S3, ठीक है। तो ऐसा कर दिया हमने एक लाइन में, तो अब आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 1, 100 बाई 5, 20 इज आंसर बस। तो आपने कोई भी डिस्टेंस मान लिया अपने अकॉर्डिंग 100, ठीक है। ये तरीके से आप करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ उससे टाइम लग रहा है, बट आपके लिए इजी रहेगा। बाकी एक नॉर्मल अप्रोच ही बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, 100 नहीं मानना है आपको, तो आप टोटल डिस्टेंस डी ले रहे हो, तो आप ये करोगे डी अपॉन 50% ऑफ डी 0.5 डी, 0.5 डी अपॉन 25 प्लस 0.4 डी अपॉन 20 प्लस 0.1 डी अपॉन 10, आपको ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डी डी कट जाएगा आपका, क्योंकि डी डी एक्चुअली कट ही जाए, इसलिए हमने कोई भी डी ले लिया। एक्चुअल मेथड ये है, बट हमने जनरली आप क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ले लेते हैं इसको, स्पीड्स के एलसीएम ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहता है हम लोग लिए, ठीक है। सेलर यूजेस ए फॉल्टी बैलेंस दैट ही चीट्स बाय 300 ग्राम बोथ एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड ही बाइज एंड सेल्स ओनली इन द पैकेट ऑफ साइजेस 5 kg। वो 5 kg से कम या 5 5 5 kg के पैकेट्स नहीं बेचता है, और खरीदते टाइम भी वो 300 ग्राम चीटिंग कर रहा है, बेचते टाइम भी 300 ग्राम की चीटिंग कर रहा है। इफ ही क्लेम्स टू सेल ऑन द कॉस्ट व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। जिसको क्या इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पता है, अच्छे से क्लैरिटी है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको पता है कि यहाँ पे खरीदते टाइम भी वो चीटिंग कर रहा है, तो बेसिकली 5 kg इज व्हाट, 5 kg इज 5000 ग्राम्स। खरीदते टाइम वो क्या कर रहा है, 300 ग्राम ज्यादा ले रहा होगा, तो एक्चुअली मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा, एम एफ वन क्या हो जाएगा, मेरा एम एफ वन मेरा हो जाएगा 5300 अपॉन 5000 मल्टीप्लाई फैक्टर, ठीक है। ये मेरा कट गया, तो ये मेरा आ गया 53/50। मल्टीप्लाई फैक्टर टू क्या हो जाएगा, एग्जाम में कह रहा था आपको ऐसे ही करना है। अब वो बेचते टाइम क्या कर रहा है, 5000 की चीज को 300 ग्राम कम दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगेन उसका फायदा हो रहा है, 5000 अपॉन 4700। तो गाइस एक बात याद रखो, कभी भी कोई चीटिंग करता है और चीटिंग में उसका अगर फायदा होगा तो मल्टीप्लाई फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइम उसका, दोनों टाइम चीटिंग कर रहा है वो, दोनों टाइम उसका 1 से बड़ा आना चाहिए। खरीदते टाइम वो ज्यादा ले रहा है, बेचते टाइम वो कम दे रहा है, ठीक है। दोनों टाइम मेरा क्या हुआ, हमारा 1 से बड़ा आ रहा है एमएफ। तो गाइस हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है एमएफ के लिए, एसपी इज इक्वल टू MF1 इंटू MF2 इंटू CP। ये आपका ऐसा हो जाता है, SP बाई CP इज इक्वल टू MF1 क्या होगा, गैस मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक महीने बचा, तो काफी लोगों ने कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक है। जिसने पढ़ रखा उसको समझ में आ रहा होगा, क्या पकड़ गया, SP बाई CP क्या आ गया, 53/47। तो गैस अभी कभी भी आपको SP CP रेशियो पता हो तो आप निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या आ जाएगा, SP माइनस CP 6 अपॉन 47 इंटू 100, यह आपका आएगा 12.76%। ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, बस क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर लेंदी मेथड से करो टाइम लगेगा आपका, और स्नैप ऐसा एग्जाम है कि आपको टाइम भी कम मिलता है आपको। ये क्वेश्चन देखो गाइस है इजी, बट भाई ये क्लैरिटी ज्योमेट्री कितनी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है। यानी ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल यू क्यू वी, ये निकालना है आपको। गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद डायमीटर एस पी आर, गाइस डायमीटर पी आर है, आपको क्या दिया गया, आपको ये एंगल दिया 60, आपको ये एंगल निकालना है। तो गाइस एक बात ध्यान से देखो, जैसे ही आपने देखा डायमीटर यू से कनेक्ट कर रहा है, पहले तो ये एंगल 90 मान लो, 90 हो गई होगा, ठीक है। डायमीटर कभी भी सर्कमफेरेंस से जो एंगल बनाता है 90 बनाता है, क्योंकि डायमीटर आपका पी आर है,
ये एंगल यू से बना रहा है तो 90 हो गई। आप गाइस दूसरी चीज देखो, आपको बेसिकली स्ट्रैंगल देखना है, आपको कौन सा ट्रैंगल देखना है, आर यू क्यू, इसको देखो आप आर यू क्यू, ये भी 90 होगा। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो किस तरह ये एंगल बदल जाए आपको, आप गाइस ये एंगल कैसे पता चलेगा, देखो मैं इसको फिर से क्लीन कर रहा हूं एक बार। आपको ये 60 दिया है, ध्यान से देखो, अगर हम यूवी को एक कॉर्ड बना दें ऐसे, तो कॉर्ड सेंटर से एंगल बना रहा है 60, तो यही कॉर्ड इससे कितना एंगल बनाएगा, उसी साइड के सरकमफ्रेंस की पॉइंट से आधा बनाएगा ना, यहाँ 60 यहाँ 30, तो गाइस ये 30 हो गया, ये पूरा 90 है आपका, क्योंकि ये 90 था, 90 30 120, ये कितना बचा, 180 माइनस 180 माइनस 120, 60 बचा, 60 इज द आंसर, बस ठीक है। तो बस आपको इतना माइंड लगाना था कि अगर यूवी कॉर्ड को हम जोड़ दें, कभी भी गए सेंटर के एंगल की बात है, कॉर्ड याद रखो, कॉर्ड प्रॉपर्टी बहुत काम की है, जिसको बिल्कुल नहीं पता बता दे रहा हूँ एक बार, कॉर्ड जो भी एंगल सेंटर से बनाता है गाइस, अगर थीटा एंगल बना रहा है सेंटर से, तो इसी सेगमेंट में सेंटर के साइड में ही कहीं से भी कॉर्ड एंगल बनाएगा इसका आधा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, ऐसा ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 60 बनाया सेंटर से, तो इसी के साइड में सरकमफ्रेंस से बनाएगा 30, अब ये 30 है, ये 90 है, टोटल 120 हो गया, 180 माइनस 120 60 आ गया आंसर। उतना इजी नहीं था, बट जिसने ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज देख रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, क्वेश्चन टाइप्स देख रखे हैं, वो कर लेगा। ये क्वेश्चन लेंदी थोड़ा अच्छा है, बट उतना लेंदी भी नहीं, बट स्टिल। राजू हैज ए होलो सिलेंड्रिकल टॉय विच हैज ए सर्फेस एरिया ऑफ 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ द टॉय 7 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ बेस रिंग इज 115.5, फाइंड द थिकनेस ऑफ द टॉय। तो गाइस होलो सिलेंड्रिकल टॉय, ऐसा कुछ हॉलो सिलेंडर होता है ना वैसा, ये टॉय है, यहाँ पे अगर आप सेंटर से पूरा अगर रेडियस आर मानोगे, तो छोटा रेडियस स्मॉल आर मान लेना सिलेंडर का, ठीक है। तो विड्थ क्या आ जाती है, विड्थ, ये विड्थ क्या आ जाती है, आर माइनस आर आती है, तो ठीक है। अगर देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये काफी बड़ी चीज है, टोटल सरफेस एरिया में कैसे आएगा, हॉलो सिलेंडर विजुलाइज करो, मतलब बाहर का कर्व्ड एरिया, ऊपर के दोनों बेस एरिया, और दूसरी बार क्योंकि हॉलो सिलेंडर है तो छोटे सिलेंडर के अंदर का एरिया भी होगा कर्व्ड, तो वो क्या करना पड़ेगा, वो चीज है। देखो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा ऐसा हो जाएगा कुछ, ये मेरा इसको आप ऐसे देख सकते हो, बाहर वाला एरिया क्या आ जाएगा आपका, पहले ये एरिया देखो ऊपर के बेस एरिया, बेस एरिया एंड टॉप एरिया क्या हो जाएंगे आपके, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसको आप अगर कैपिटल आर मान रहे हो, स्मॉल आर है तो ऐसा मानो आप इसको, इसको ऐसे लिख दो क्या, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि तो दो है ऊपर भी नीचे भी, तो टू ये हो गया प्लस, अब क्या हो जाएगा आपका, बाहर वाला एरिया और अंदर वाला एरिया दोनों एरियाज लेंगे हम लोग, बाहर वाला एरिया मेरा होगा टू बाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया, अंदर वाला एरिया क्या होगा टू बाई आर एच, ये बेसिकली आपको दिया गया है 4620, ठीक है गैस, वही चीज है, ये कैसे आया बता दे रहा हूँ, कभी कोई कंसेंट्रिक सर्कल्स, अगर आपको इतना बड़ा का एरिया निकालना है कैसे निकालोगे आप, पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, मान लो कैपिटल आर बड़ा वाला है स्मॉल आर छोटा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यही तो करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हम यहाँ टू क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज टॉप में भी यही चीज है बॉटम में भी यही चीज है, तो ऊपर के दोनों एरिया ये हो गए, और बाहर का कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच सिलेंडर का होता है, अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अंदर से आएगा, वो क्या होगा टू पाई आर एच, उसको आप ऐसे रीराइट कर सकते हो। ये आपका ऐसा आ जाएगा टू बाई एच आर प्लस आर स्क्वायर टू 4620, ये डेटा आपको दिया गया इतना, अभी आपको क्या दिया गया, आपको एच दिया गया है 7, और आपको बेस रिंग भी दी गई है, आपको बेसिकली ये भी दिया गया है पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी गई ऑलरेडी, अब 115.5 बेस रिंग मतलब क्या हुआ, नीचे वाला रिंग का बेस का एरिया, मतलब यही चीज,
ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपको दिया गया है, तो आप क्या करोगे गाइस, आप इसको यहां रख दो ठीक है, और आपको एच भी दिया गया, तो आपको सीधे आर प्लस आर की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा हम साइड वाला क्लीन कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो गाइस, सॉल्व करने का मेन मोटिव आंसर निकालना नहीं है, अंदर से क्लैरिटी होना जरूरी है ठीक है। आप एग्जाम में करते चले जाओगे, बट हमको समझाना है मेनली। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां रखो इसको, 115.5 दिया आपका आएगा 231, 231 प्लस 2 पाई h आर प्लस आर इक्वल टू 4620, ये वहां जाएगा। तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, पूरा ओपन कर लो जो जो दिया गया है, हाइट 7 दी गई आपका दिया है, आर प्लस आर इक्वल टू 4620 माइनस 231 माइनस 231, ये आपका आ गया 8 4 4 5 8 9, 4620 है ना, 231 है आपका 9। ठीक है, ये आपका हो गया 4 5 8 9। फोर फाइव नहीं होगा, टाइपो हो गया मुझसे, 4 3 होगा ना, तो ठीक है कोई बात नहीं है, 6 माइनस 2 है ना ये, जब वहां जाएगा 5 3 आएगा, 4 3 8 9 होगा, कोई बात नहीं। तो गैस ये चीज है, अब 7 7 कट गया आपका, अब क्या करेंगे गैस, 11 से काटो, 11 2 जा 11 से सो काटो, 11 3 जा 33 और 10, 11 9 जा 99 ठीक है, 99 और 9 बचा फिर 99, तो बेसिकली मेरा क्या आ गया, मेरे यहाँ आ गया 4 टाइम्स आर प्लस आर इक्वल टू 399। फाइनली आपको आर प्लस आर मिल गया 399/4 ठीक है, आपको फाइनली यहां से आर प्लस आर मिल गया 399.399/4। अब गाइस देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है थिकनेस ऑफ द टॉय, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली क्या निकालना है आपको, निकालना है आर माइनस आर, आपको आर प्लस आर दिया गया, तो आप क्या करोगे, आप गाइस इस इक्वेशन में रख सकते हो ना, इस इक्वेशन में रख दो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, अगर पाई टाइम्स दिस इज इक्वल टू 115.5, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, बस आर प्लस आर की वैल्यू याद रखना, तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस डी फॉर्मूला लग गया, इक्वल टू 115.5, और आपको आर प्लस आर आया कितना, बस यहां रख दो उसको, 22/7 इंटू 115.5, ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एग्जाम में करूंगा। 7 से काटो 7 5 जा 7 7 जा 4 2 2 जा 2 11 जा, 11 से भी कट जाएगा, ये आपका आएगा 10.5, 2 वहां जाएगा, फाइनली आर माइनस आर क्या आ जाएगा, 21/57, 3 से काट दो 3 7 जा 3 19 जा, तो आर माइनस आर आपका आ गया 7/19, बस सिंपल टर्म्स में। तो यही आपको निकालना, तो लेंथी क्वेश्चन है, बट एक बार फिर से ट्राई करना ठीक है। और सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया लेना, अपने आप एज्यूम मत करना कि सिर्फ कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड्स कर्व सरफेस प्लस टॉप एंड बॉटम, और इस केस में एक चीज और थी, क्योंकि हॉलो सिलेंडर तो अंदर वाला एरिया भी आएगा ठीक है, तो वो चीज थी, तो 7/19 इज द फाइनल आंसर। एक्स पीपल कैन डू द जॉब इन 5 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे, 3 पीपल वर फायर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड डे 2 पीपल वर फायर्ड वर हायर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे एंड द वर्क वॉज डन इन 7 डेज। तो गैस मैन डे का कंसेप्ट है ठीक है, एक्स पीपल कैन डू द जॉब इन 5 डेज, तो बेसिकली टोटल क्या हो जाएगा 5 × x, अब ये बराबर किसके होना चाहिए, बाकी 7 डेज में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे 3 पीपल वर फायर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे। तो गैस हम डे वन डे टू लेके चल देते हैं, फर्स्ट डे में क्या होगा, फर्स्ट डे में अगर आपके पास एक्स लोग हैं और 1 डे, तो एक्स वर्क हुआ मैन डेज प्लस, क्योंकि 1 1 डे हर हम 7 दिन का लेके जाएंगे, तो हर दिन 1 ही है, तो आपको 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बस देखो कि मैन कितने हो रहे हैं, फर्स्ट डे आपके एक्स हैं, अब सेकेंड डे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग 3 पीपल वर फायर्ड ठीक है, तो बेसिकली फायर कब कब हो रहा है, 2 4 6, ये क्या हो रहा है, फायर हो रहा है, -3 -3 -3 ठीक है, और आपका जो थर्ड से हो रहा है 2 पीपल वर हायर्ड, थर्ड डे 5th डे 7th डे,
ये क्या हो रहा है, टू पीपल हायर हो रहे हैं, प्लस टू प्लस टू प्लस टू। तो एक काम करो, कंफ्यूजन ना उसलिए ऊपर लिख लो, ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे। फर्स्ट डे आपके पास एक्स मैन थे, सेकेंड डे क्या होगा, थ्री हट रहे हैं, एक्स माइनस थ्री आ गया। थर्ड डे क्या होगा, दो ऐड हो गए, एक्स माइनस थ्री प्लस टू, एक्स माइनस वन हो गया। फोर्थ डे क्या हो रहा है, माइनस थ्री फिर हो रहा है, फिर एक्स माइनस फोर हो गया। फिफ्थ डे फिर दो ऐड हो रहे हैं, फिर आपका एक्स माइनस टू हो गया, दो ऐड हो गया इसमें। सिक्स डे क्या हो रहा है, माइनस थ्री फिर हो रहा है। सेवन डे क्या हो रहा है, फाइनली एक्स माइनस थ्री हो गया। ठीक है, पहले एक्स लोग थे, तीन गए, फिर दो आ गए तो माइनस वन, फिर तीन गए, फिर दो आ गए, फिर तीन गए, फिर दो आ गए। अब इनको ऐड कर लो सबको आप, तो ये क्या आएगा, सेवन एक्स, थ्री फोर एट टेन फिफ्टीन एटीन। गैस ये वहां जाएगा, ये वहां जाएगा, टू एक्स इक्वल टू एटीन, एक्स आ गया नाइन। पूरा मैंडेक्स वाला क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है, इवन ये कैट में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइमर चलेगा तो टाइम माइंड नहीं चल रहा कई बार। ठीक है, तो गैस वर्स्ट केस है, बड़ो सारी वैरायटी कवर करूँ, वेवर का बहुत टफ आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको आते ही नहीं हो तो करोगे क्या एग्जाम में आप। ठीक है, क्लासेस ए बी एंड सी हैव एवरेज स्कोर्स ऑफ 83, 76, 85। एवरेज क्लास ए बी का 79 है, एवरेज क्लास बी सी का 81 है, कंबाइंड एवरेज। तो गाइस ये एलिगेशन से आराम से सकता है। ठीक है, ए बी एंड बी सी के आपको एवरेजेस दिए गए हैं कंबाइंड, तो आप ऐसे कर सकते हो, ए बी सी में ये ए बी को लेके चलो, पहले रेशियो मिल जाएंगे आपको, ए के नंबर ऑफ, ए का एवरेज 83, बी का एवरेज 76, कंबाइंड एवरेज 79। तो हम एलिगेशन जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ए बी के क्लास के स्टूडेंट्स का रेशियोज, ये 4 आया, ये 3 आया, तो हमको ए एस टू बी के स्टूडेंट्स का रेशियो मिल गया 3:4। अब बी एंड सी के लिए करो, 76, 85, बी एंड सी का कंबाइंड एवरेज 81। अब आप करो 5 एंड 4, 20:3 आ गया, 4:5। तो गाइस ए टू बी में स्टूडेंट्स 3:4 है, बी टू सी में 4:5 है। तो डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको तीनों का कंबाइंड एवरेज चाहिए और आपको अलग अलग एवरेजेस दिए हैं, तो आप वेटेड एवरेज लगाओगे, बट आपको पहले ए बी सी के नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉपर हो, परसेंटेजेस में हो या रेशियो में हो, कोई भी हो चलेगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए ऐसा किया है कि हमको पहले किसी तरह ए बी सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो मिल जाए। तो दो दो का एलिगेशन लगा के हमने रिलेशन निकाल लिया, फिर कंबाइन कर देंगे इसको, क्योंकि ये भी है, ये भी है, तो ये दोनों 4 है। तो आप बोल सकते हो ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या है, 3:4:5। अब गए आप कर लो, आपको रेशियो मिल गया हो वो बताए आपको, तो वेटेड एवरेज लगा दो आप, डब्ल्यू वन एन वन प्लस डब्ल्यू टू एन टू, तो क्या हो जाएगा, 83 इंटू 3 प्लस 76 इंटू 4, 85 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5, 12। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जल्दी, 80 इंटू 3 प्लस 3, 249, 280 प्लस 24, 425 अपॉन 12। सो कैसे करेंगे, 200, 300, 500, 900, 900 प्लस 53 एंड 25, 78 अपॉन 12, 978 अपॉन 12, 960, 12 8 960 होता है, तो देख लेते हैं करके, बहुत जल्दी मत करना, गलत हो जाए। 12 8 96, 18 गया, 12 1 12.5, 81.5 इज द आंसर। ठीक है, तो गाइस शॉर्टकट्स लगाओ, बट जल्दी मत करना, धोखे से गलत हो जाए। ठीक है, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको आप वेटेड एवरेज से ही पूरा कर सकते हो स्टार्टिंग से, बट एलिगेशन ज्यादा इजी रहेगा। ए एंड बी स्पीक्स ट्रुथ इन 70% एंड 80% ऑफ द केसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। गाइस ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रडिक्ट मतलब ए सही बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, अगर ए झूठ बोलेगा तो बी सही बोलेगा, ऐसा होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा, ए सही बी रॉन्ग और ए रॉन्ग बी सही। अब ए एंड बी के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए और बी आपको दिया गया है 7/10 और बी आपको दिया गया 8/10, तो इनके फॉल्स होने की कॉम्प्लीमेंट 3/10 एंड 2/10, काट भी सकते हो 2/10 को, बट देख लेते हैं, ऐसे भी आ जाएगा। ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, यह आपका आ जाएगा 7/10। ये सब लिखने की अलग जरूरत नहीं है,
सीधे ए का सही वाला लिखो और बी का कॉम्प्लीमेंट लिखो, प्लस ए का झूठ और बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे हमने बी रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट बी रहेगा, ए रहेगा बस, ठीक है। ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ऐसा, ठीक है। बी आ जाएगा आपका 80। बस थोड़े छोटे मोटे टाइपोस को इग्नोर करना, ठीक है। ये आपका 14 हो गया प्लस 24 अपॉन 100, 38/100 आपका आ गया बस, ठीक है गाइस। 24 प्लस 14 38, तो 38% प्रोबेबिलिटी हुई इनके कोऑर्डिनेट करने की। कोऑर्डिनेट मतलब ही होता है कि दोनों सही चीज नहीं बोलेंगे, अगर ए कुछ बोल रहा है बी कुछ और बोलेगा, मतलब ए सही बोल रहा है बी झूठ बोलेगा, ठीक है, और अगर ए झूठ बोला बी सही बोलेगा, ठीक है। तो ए सही बोला तो 7/10 हो गई, बी झूठ बोला तो बी की हो गई 2/10। अभी दूसरे केस में ए झूठ बोला 3/10 हो गया और बी सही बोला तो 8/10 हो गया। 14 प्लस 24 38 अपॉन 100, 38/100 हो गया आपका। घर से क्वेश्चन अच्छा है, 6x-3 की पावर 9, ये बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन का पार्ट है। कभी आप कोई चीज एक्सपेंड करते हो तो पावर कैसे आ रही है, हमें यहाँ पे 9 डिग्री है हाईएस्ट, तो 9, 8 ऐसे जा रही है, लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म बचता है। जैसे मैं बात करूं इसकी, ए प्लस बी का स्क्वायर, यह आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको ऐसे देखिए, मानो कोई क्वेश्चन होता 2x+3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 4x² + 9 + 2 × 2x × 3, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, 12x, तो इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, 4x² + 12x + 9, ऐसा। x² x फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि आपको अगर ए जीरो निकालना है, ठीक है, अगर आपको ए जीरो निकालना है तो ए जीरो के पहले तक 9, 8, 7, 6 ऐसे गया होगा, फिर एक्स आया होगा लास्ट, फिर जीरो आया, कॉन्स्टेंट आया होगा। अगर आपको सिर्फ ए जीरो निकालना है तो अगर आप एक्स को जीरो रख दो तो ये पूरा 0 0 0, सिर्फ ए जीरो बचेगा। तो अगर आप एक्स को जीरो दो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऐसा, -3 की पावर 9 = a0, एक लाइन में आंसर। तो ये क्वेश्चन है, समझने वाली बात है बस, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका आ गया -3 की पावर 9 इज द आंसर, और कुछ नहीं करना इसमें, ये मैंने समझाने के लिए लिया था बस। सो गाइस ये 8 से 9 क्वेश्चन हो गए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनको दिक्कत फिर है, उनको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी गाइस हम लोग का स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया था कल से, ठीक है। जो लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, मैं 40 डेज को बेस्ट तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्राइसिंग हमने ऐसी रखी है कि एक्चुअली जो कंटेंट आ रही है प्रोवाइडिंग उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग बहुत ही कम है, बिकॉज आपको इसमें 15 स्नैप के मॉक्स भी इंक्लूडेड है, 80+ लाइव जूम रिकॉर्डिंग्स हम मिलेंगी, 15 लाइव सेशन हम लोग कर ही रहे हैं PYQs वगैरह पे, पास पेपर डिस्कशंस, बाकी नॉन गेट एग्जाम्स की प्रैक्टिस शीट्स, शेड्यूल टेस्ट सब कुछ रहेगा। तो गाइस जो लोग सोच रहे हैं कि अभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा एग्जाम, तो बेस्ट से बेस्ट आप जो दे सकते हो 40 डेज में वो है ये। लास्ट ईयर हम लोग पास 120+ SIBM SC में चार्टी पॉलिसी, ठीक है, हम लोग का गाइडेंस रहेगा पूरा, एग्जैक्टली हम लोग जैसे बोले बिल्कुल वैसे ही करना आप, कोई भी लाइव क्लास अपकमिंग छोड़ना मत, ठीक है। काफी सारा रिविजन सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग खुद ही रिव्यू दोगे बाद में कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल हुआ, कि हम लोग बहुत सारे रिव्यूज हैं आपने देखे होंगे मेरे। तो गाइस जैसे जैसे टाइम वेस्ट कम जाएगा, जैसे जैसे टाइम पास आएगा आपके चांस कम होते जाएंगे, तो डिसाइड करो एंड स्टार्ट कर दो। इवन जिन लोगों ने मॉक्स ले लिए उनको भी अगर लेना है कोर्स तो आपको पूरा पेमेंट नहीं करना है, अगर आपने स्नैप के मॉक्स ले रखे हैं यू कैन पे 1300 ओनली, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी ये शेड्यूल है पूरा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है इसी का, ठीक है, सब आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी गाइस आप खुद देख सकते हो रिव्यूज, ये दोनों क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स के क्रैश कोर्स से हुआ है इनका, ठीक है। बाकी लक मैटर करता है थोड़ा, ठीक है, बट स्टिल कंटेंट मैटर करता ही है, क्यूरेटेड कंटेंट। 1 मंथ पहले स्नैप का कोर्स स्टार्ट किया था, इसी टाइम की बात है, जो लोग के पास 7-8 घंटे का टाइम है मिनिमम वो कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं डिटेल्ड कोर्स की। सो गाइस दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, आई गेस काफी कुछ सीखा होगा आपने, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।
ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट आता है किस तरह का भी। बाकी कोर्सेज एंड मॉक्स के लिए यू कैन विजिट mockzone.in/snap। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।